Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the next topic of chapter number 13, class 10, NCERT science subject. Chapter name is Magnetic Effects of Electric Current. And in this chapter, till now we have studied what is electromagnetism, what are magnetic field lines, what is magnetic field, on what factors magnetic field and its strength depends, and aur uske baad ab jo hum study kar rahe hain ki kya conductor ka shape ya wire ka jo shape hota hai uske according bhi uski wajah se bhi kya magnetic इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कोई वेरिएशन आता है, और आता है तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको डिसाइड करते हैं और क्यों आता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. और उस पार्ट में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि जब करंट एक स्ट्रेट वायर में एक स्ट्रेट कंडक्टर में फ्लो करती है तो उस सिचुएशन में करंट का क्या इफेक्ट होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है वो हमने डिस्कस किया है. साथ ही साथ हमने राइट हैंड थंब रूल भी देखा है. तो राइट हैंड थंब रूल को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि इमेजिन दैट वी आर होल्डिंग अ स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड इन दिस वे एंड थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स जिस तरफ थंब की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है. देन द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इंडिकेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. यानी कि अगर इस मार्कर को हम कंडक्टर एज्यूम कर लेते हैं और जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा है वो डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है तो फिर अदर फिंगर्स जिस तरफ टर्न हो रही हैं, जो उनके टर्निंग की डायरेक्शन है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है. ऐसा उसी चीज को हम मैक्सवेल कार्केस्क्रू रूल के अकॉर्डिंग में डिफाइन करते हैं. वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कार्केस्क्रू रूल आवर सेल्फ ड्राइविंग अ कार्केस्क्रू देन द डायरेक्शन इन विच कार्केस्क्रू इज पेनिट्रेटिंग that is the direction of electric current. If it is so, then the direction of rotation of a screwdriver that indicates the direction of magnetic field. यानी कि उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज ये आपका स्क्रूड्राइवर है और स्क्रूड्राइवर को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं और स्क्रू जो है वो बोर्ड में टाइट हो रहा है, बोर्ड में फिट हो रहा है, तो यानी कि बोर्ड के अंदर स्क्रू जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन बोर्ड के अंदर की तरफ हो गई, इनसाइड द बोर्ड हो गई. तो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ये मार्कर है या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू ड्राइवर है, जिस तरफ ये रोटेट कर रही है, जैसे कि अभी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई. और हम इफ वी आर लूजनिंग द कार्केस्क्रू, यानी अगर कार्केस्क्रू को हम लूज कर रहे हैं तो लूज करने के टाइम पे क्या आ रहा है कि कार्केस्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है, यानी बोर्ड से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है. तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मार्कर या स्क्रू ड्राइवर दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है. तो लेट अस प्रोसीड विद द न्यू टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सर्कुलर लूप. तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में कैसा होता है वो हम डिस्कस करेंगे, विच इज आवर फिगर नंबर 1 या फिगर नंबर ए. तो ए फिगर में हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सर्कुलर लूप. फिगर बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन ए सर्कुलर कॉइल. एंड फिगर सी, मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड. एंड फिगर डी, दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इन पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्टिंग विद सर्कुलर लूप, व्हाट इज सर्कुलर लूप बेसिकली. तो व्हेन वी फोल्ड अ स्ट्रेट वायर टू मेक इट ए लूप, यानी इसको फिर हम लूप बना देते हैं, तो वो क्या हो गया, यानी इस तरह से फोल्ड कर दें तो वो लूप हो गया. मीन्स व्हेन सर स्ट्रेट
current carrying conductor, or when simply a straight conductor, it is folded in this form. So folded in this form, this is called a loop. इसको हम loop कहते हैं. तो loop में magnetic field कैसा होगा? कि हमने straight current carrying conductor के case में find out किया था कि ये आपका straight current carrying conductor है. तो what was the pattern of magnetic field? कि every point of the current carrying conductor it has its own magnetic field. यानी कि अगर इस current carrying conductor को हम various fractions में divide करते हैं, various part में divide करते हैं, तो suppose करें कि हम इस point को लेते हैं और direction of current is upward. यानी कि ये हमारा हो गया point P और ये हो गया point Q, and this is a straight current carrying conductor, and when the flow of current, the direction of flow of current is from P to Q, यानी कि ये P से Q की तरफ है, तो according to right hand thumb rule, the direction of magnetic field will be, right hand thumb rule को आप apply कर दें कि according to the convention of right hand thumb rule, direction of magnetic field is anti clockwise. तो फिर ये क्या हो गया? Anti clockwise हो गया. तो ठीक, just like that, just like the same, कि every part of the circular loop, ठीक उसी तरह से circular loop का हर एक part, it is a straight current carrying conductor. यानी कि ये circular loop को हमने fold कर रखा है, इस folded wire में हर एक fraction, इसका हर एक part, वो क्या है? एक straight conductor है, एक सीधा conductor है. तो as there is magnetic field in the straight current carrying conductor, in the same way, every part of circular loop will behave like a straight current carrying conductor. Current carrying conductor में हमने क्या study किया था? कि पहला point ये था कि current carrying conductor के हम जितना ही close होते हैं, magnetic field उतना ही strong experience होता है. और जैसे 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 हम उससे दूर shift होते चले जाते हैं, magnetic field का strength कम feel होने लगता है. Means strength of magnetic field decreases with increase in distance from the conductor. और दूसरा है कि strength of magnetic field increases with increase in the magnitude of current. तो इस circular loop का हर एक part, हर एक fraction, यानी कि हर एक छोटा part, अगर हम थोड़ी देर के लिए इस part को ले लें, कि ये छोटा सा जो part है, इस part की अगर हम बात करें, तो ये क्या है? ये एक straight part है. यानी कि जब इस पूरे circular loop को हम छोटे-छोटे part में observe करेंगे, तो हर एक part क्या है? वो एक straight conductor के रूप में behave कर रहा है. तो magnetic field या magnetic effect जो होगा, वो भी straight current carrying conductor की तरह से ही होगा. कि if we consider this point, अगर हम इस point को consider करते हैं, तो magnetic field on this point of this circular loop will be as like a straight current carrying conductor. That means as we will move away from the conductor, जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर मूव करते जाएंगे, means as we are moving towards the center of the loop, जैसे जैसे हम यहां से चल करके, यानी यहां से मूव करके हम आते हैं, यहां लूप के सेंटर तक तरफ आते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेज. सो व्हेन वी मूव फ्रॉम द पोल, फ्रॉम दिस एपेक्स टुवर्ड द सेंटर, देन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट the diameter of circle, it is increasing gradually as we shift away from the this point. यानी जैसे जैसे हम इस point से दूर होते जा रहे हैं, देखिए magnetic field lines जो indicate कर रहे हैं, magnetic field lines की पहले ये circular है, एक small circle है, फिर larger circle, फिर ये circle का diameter increase कर रहा है, and finally when we reach the center, जब हम center की तरफ आते हैं, तो ये circle का diameter इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ पर आकर कि ये lines straight दिखाई पड़ रही हैं. ठीक उसी तरह से अगर हम इस point को consider करते हैं, तो इस point, अगर ये point हम consider कर रहे हैं, तो this point behaves like a straight current carrying conductor. And as we move away from the conductor, means we move towards the center, then distance from the conductor increases. And because of increase in the distance from the conductor, as we move toward the center, toward the middle of the loop, there we find that magnetic field lines goes on straight, gradually becomes straight. So, पहला point ये था कि circular loop में भी हम magnetic field pattern को कैसे समझने की कोशिश करेंगे, कि just as कि circular loop it consists of various small straight current carrying conductor. यानी हमारा जो circular loop है, ये
बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मिलकर बना है। तो इस लूप का हर एक वो स्टेट पार्ट मैग्नेटिक फील्ड कैसे उसमें जनरेट होगी, जैसे कि एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जनरेट होती है, और उसका इफेक्ट भी जस्ट लाइक विल बी द सेम कि एज इन स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड वीकेंस एंड एज वी शिफ्ट टुवर्ड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड strengthens means becomes strong. तो same thing is applied here. वही चीज apply हो रही है यहाँ पर कि if we consider this point of the circular loop, तो magnetic field for this circular loop, as we move towards the center of the loop, then distance from the point increases, and because of that magnetic field lines, those turn into a straight line. फ्रॉम सर्कुलर फॉर्म, यानी सर्कुलर से वो क्या होती जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में कन्वर्ट होती चली जा रही है। तो ये है। और सेकंड थिंग इज दैट कि इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड एज मच एज द अमाउंट ऑफ करंट इनहेंसेज, यानी कि जैसे जैसे करंट के अमाउंट इंक्रीज करेंगे, या फिर ये कहें कि विथ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, and with the decrease in amount of current magnetic field strength decreases, and direction of magnetic field line here also decided according to the right hand thumb rule. To ye hai circular loop ke bare mein, bas quick revision 1 minute ke andar ki circular loop kya hai. Jab hum straight current carrying conductor ko hum ek fold kar dete hain, ek fold mein bana dete hain, usko loop ke roop mein bana dete hain, wahi circular loop hai. और इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि सपोज कि ये मैग्नेटिक, यानी कि ये सर्कुलर लूप जो है वो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से बना हुआ है, जिसमें कि उसका हर एक पार्ट एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो हर एक पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की बात कैसे होगी कि उस पॉइंट से जैसे जैसे हम डिस्टेंस शिफ्ट होंगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होता जाएगा, और जैसे जैसे पॉइंट के नियर बाई आएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज कर दी जाएगी, और जैसे जैसे हम करंट की अमाउंट बढ़ाएंगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम यानी कि करंट की वैल्यू हम कम करेंगे तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। और थर्ड पॉइंट है कि हाउ मेनी टर्न्स आर देयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि सपोज वी हैव फोल्डेड द वायर इनटू टू टर्न्स लाइक दिस, अगर हम वायर को इस तरह से फोल्ड किए हैं कि वन टर्न टू टर्न, ये हमारा वायर का टू टर्न हो गया। तो इफ वी कंसीडर फॉर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो बोथ आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यानी कि दो के दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस पॉइंट एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस पॉइंट, बोथ विल एड टुगेदर, मींस इफ वी हैव कैप्ट two circular loops, if we have made two circular loops, then there are two points lying just in front of each other, in that case magnetic field strength of this point and this point both will add together, yani dono ek dusre ke sath mein aa jayenge, both will add together and strength of magnetic field will become two times, yani ki magnetic field ki strength kya ho jayegi, two times aa jayegi. If we have made three turns, so this third point, it is also coming in front of it. Now magnetic field will be three times. And if we have made n turns, yani hum isme agar n turn bana diye hain, to isi tarah se 1, 2, 3, 4, 5 up to n, to magnetic field strength kya ho jayega, n times ho jayega, yani ki n times ho jayega, yani ki agar ek fold hai तो ठीक है, दो फोल्ड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दोगुनी हो जाएगी, तीन करेंगे तो तीन गुनी हो जाएगी, चार करेंगे तो चार गुना हो जाएगा, इसी तरह से। यानी कि वायर को हम कितनी फोल्ड में टर्न कर रहे हैं, वायर को हम कितनी फोल्ड बना रहे हैं, तो जितनी फोल्ड बनाएंगे उतना ही टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती चली जाएगी। ये कैसे होगा, ये इस तरह से होगा कि जब हम वायर को जैसे सपोज करें कि टू फील्ड में हमने टर्न किया है, तो फर्स्ट फोल्ड का ये पॉइंट और सेकंड फोल्ड का, सेकंड लूप का ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के आमने सामने पड़ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एड अप हो जाएगा, एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड उसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा। मींस देयर आर थ्री पॉइंट्स इन इट नाउ, नंबर वन डिस्टेंस फ्रॉम द लूप, पहली चीज कि लूप से कितने डिस्टेंस है, दूसरी चीज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, एंड नंबर थ्री नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप,
यानी कि लूप में कितने टर्न बन रहे हैं। तो ये तीनों चीजें मिलकर के मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को डिसाइड करेंगी। ठीक है, अब देयर इज एन एक्टिविटी 13.6, यहां पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 13.6, और ये एक्टिविटी इस फिगर के थ्रू हम डिस्क्राइब करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट रीड द एक्टिविटी, पहले हम एक्टिविटी को रीड कर लेते हैं कि एक्टिविटी में कह क्या रहा है ये। एक्टिविटी 13.6, टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग टू होल्स। तो ये देखिए आपका कार्डबोर्ड है जिसमें कि हमने टू होल, यानी ये आपका कार्डबोर्ड है जिसमें टू होल्स हैं। इंसर्ट ए सर्कुलर क्वाइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसमें क्या किया गया, एक क्वाइल डाल दीजिए जिसमें कि बहुत सारे टर्न है। लेट देयर आर एन टर्न्स, यानी जो अभी हम यहां बात कर रहे थे कि हम एन टर्न यानी एन टाइम उसको फोल्ड करते हैं। ठीक है, तो सपोज कि हमने ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया जिसमें कि टू होल्स हैं, और इसी होल्स में हमने क्या किया, एक सर्कुलर क्वाइल को इंसर्ट कर दिया है जिसमें कि मेनी टर्न्स हैं या एन टर्न्स हैं। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कार्डबोर्ड, यानी देखिए कार्डबोर्ड का प्लेन है, इसी प्लेन में हमने इसको घुसा दिया है, ठीक, इंसर्ट कर दिया है। कनेक्ट द एंड्स ऑफ क्वाइल इन सीरीज विद अ बैटरी एंड ए की एंड रियोस्टैट। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया है, ये की लगा दिया, ये बैटरी लगा दिया, और इसके एक एंड को यानी वायर के एक एंड को यहां कनेक्ट कर दिया, और वायर के दूसरे एंड को हमने यहां कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। देन आफ्टर स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देना, कि यहां पे हमने मान लो कि ये कार्डबोर्ड पे आयरन डाल दिया है, आयरन के पाउडर या आयरन फिलिंग्स डाल दी है। प्लग द की, अब हम स्विच को ऑन करते हैं। आफ्टर प्लगिंग द की वी जेंटली टैप द कार्डबोर्ड, यानी इस कार्डबोर्ड को धीरे धीरे हम टैप करेंगे, इसको हल्के से हम ऐसे स्ट्राइक करेंगे, हिट करेंगे। तो व्हाट वी फाइंड दैट आयरन फिलिंग्स दोज अरेंज इन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस एक्टिविटी को फिर से समझ लेते हैं कि एक देयर इज ए कार्डबोर्ड, सपोज करिए कि ये आपका कार्डबोर्ड है, ये हमने कार्डबोर्ड ले लिया। नाउ देयर इज ए सर्कुलर क्वाइल, अब एक क्वाइल है, क्वाइल मीन्स ए लूप कंटेनिंग मेनी टर्न्स, यानी यही लूप, ये एक सिंगल लूप है, सिंगल फोल्ड है। अब इसी में वायर को हमने फोल्ड करके कई सारे फोल्ड यानी कई बार टर्न कर दिया, और यहाँ पे मेनी लूप्स हो गए। तो जब उसमें मेनी लूप हो गए तो क्या हो गई, वो क्वाइल हो गई। हमने क्या किया कि इस कार्डबोर्ड में एक क्वाइल फिट कर दी, इंसर्टेड ए क्वाइल इन द कार्डबोर्ड एंड कनेक्टेड वन एंड ऑफ क्वाइल टू प्लस माइनस अनदर एंड ऑफ क्वाइल विद द प्लस कनेक्टेड बैटरी की। तो ये सारा अरेंजमेंट है कि ये क्वाइल है, क्वाइल को कार्डबोर्ड में फंसा रखा है, उसको उसमें हैंग कर रखा है, और जिसमें कि टू होल्स हैं, तो दोनों होल में हमने इसके एक साइड को और दूसरे होल में दूसरे साइड को हमने डाल करके वायर से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से की से, एक सीरीज पैटर्न में। अब क्या करते हैं इसमें कि इस ऑन दिस कार्डबोर्ड वी स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स। वाई? बिकॉज आयरन इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड विल डेवलप हियर इन द क्वाइल बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन इफेक्ट विल बी सीन। क्योंकि ये क्या है, आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो जब कार्डबोर्ड पे हम आयरन को स्प्रिंकल कर देंगे, और स्प्रिंकल करने के बाद की को प्लग इन करेंगे, और प्लग इन करने के बाद जब इसमें करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होने के बाद इस क्वाइल में क्या आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होगा, और वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से फिर इन आयरन फिलिंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा। फिर दोनों मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, इसलिए इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा। तो करना क्या है कि स्विच इन द की, प्लग इन द की, यानी कि इसको स्विच ऑन करना है। आफ्टर स्विचिंग ऑन वी जेंटली स्ट्राइक द कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड को हल्का सा हिट करते हैं। तो कार्डबोर्ड को हिट करने में क्या हुआ कि आयरन फिलिंग्स विल एक्वायर मूवमेंट, विल कम इन मोशन, ये मोशन में आ जाएंगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोशन दे विल अलाइन देयर सेल्फ, देन दे विल अलाइन देयर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इस बात से पता चल जाता है कि वेन करंट इज सप्लाइड इन ए सर्कुलर क्वाइल there is magnetic field developed, and what are other informations about it, if we find that ki those iron fillings, most of the iron fillings are very concentrate, yani ki iron fillings make a circular pattern around the coil, yani coil ke ye jo arm hai, coil ke arm ke side kya karenge, ye circular pattern bana lenge, when we move away from the क्वाइल वी फाइंड दैट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, एंड एज वी मूव टुवर्ड द क्वाइल वी फाइंड दैट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। सेकंड, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, माइंड दैट वी हैव यूज्ड रियोस्टैट, हमने रियोस्टैट यूज किया है, तो विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट वी कैन वेरी द अमाउंट ऑफ करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज,
वोल्टेज को बिना चेंज किए हुए रियोस्टैट से हम आई की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अगर रियोस्टैट को अरेंज करेंगे हम और उसमें आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ये फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगा और वो पता चलेगा सर्कल की साइज से पता चल जाएगा कि सर्कल जब हम रियोस्टैट को कम करेंगे और फिर से एक बार टैप करेंगे तो टैप करने के बाद हमको ये मिलेगा कि अगर आई की वैल्यू डिक्रीज हुई होगी तो ये सर्कल की डायमीटर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर रियोस्टैट को हमने ऐसा अरेंज किया है कि आई की वैल्यू इंक्रीज कर गई है और उसके बाद फिर से हम कार्डबोर्ड को टैप करेंगे तो हमको ये मिलेगा कि सर्कल की साइज और छोटी हो गई है। तो आई बढ़ने के साथ साथ करंट की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। और थर्ड पॉइंट ये है कि इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि फिर हम क्या करते हैं इसको पैटर्न यानी कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, यानी कि जिसको हमने प्लस से कनेक्ट किया उसको माइनस से कनेक्ट कर दें और जिस एंड को हमने माइनस से कनेक्ट किया था उसको हम प्लस से कनेक्ट कर देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये है एक्टिविटी आपकी, दिस इज द एक्टिविटी नंबर 13.6। थ्रू द एक्टिविटी 13.6 इट वांट्स टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिफर्स और वेराइज विथ द वेरिएशन इन द फैक्टर्स, विद द वेरिएशन इन करंट अमाउंट ऑफ करंट एंड विद द वेरिएशन इन डिस्टेंस फ्रॉम द क्वाइल। तो दिस इज अबाउट एक्टिविटी नंबर 13.6। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सोलेनाइड। सोलेनाइड इज ए सर्कुलर क्वाइल कंसिस्टिंग ऑफ मेनी टर्न्स, यानी एक सर्कुलर क्वाइल है उसमें बहुत सारे टर्न हो जाते हैं। तो व्हेन वी कनेक्ट द सोलेनाइड थ्रू विथ द बैटरी, मींस व्हेन वी कनेक्ट दिस सोलेनाइड इन अ सर्किट व्हाट वी फाइंड दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोलेनाइड, नंबर वन कि मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट बाय ए सोलेनाइड इट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स जस्ट लाइक दिस केस, कि नंबर वन हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, तो विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज इन सोलेनाइड, नंबर टू डिस्टेंस फ्रॉम इट एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड दिस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, एंड थर्ड विथ इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी कि करंट की मैग्नीट्यूड जितना ही बढ़ाते हैं उसी हिसाब से इन द सेम पैटर्न द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज। तो व्हाट आर सम डिफरेंट द स्पेसिफिक मैटर्स आर हियर, नंबर वन कि इनसाइड द सोलेनाइड ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू बी पैरेलल, यानी कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, विच इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इट इज यूनिफॉर्म, यानी सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, यूनिफॉर्म है। एंड व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द सोलेनाइड देन वन एंड ऑफ सोलेनाइड बिहेव्स एज मैग्नेटिक साउथ पोल एंड अनदर एंड ऑफ सोलेनाइड बिहेव्स एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। द साइड फ्रॉम विच करंट इंटर्स, यानी जिस साइड से करंट इंटर करती है दैट साइड बिहेव्स एज साउथ पोल अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करोगे आप तो देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये करंट फ्लो करने की डायरेक्शन है एंड अकॉर्डिंग टू दैट कन्वेंशन दिस विल बी द साउथ पोल एंड दिस इज द देन नेक्स्ट वन इज द अपोजिट नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगी। तो देर आर फॉलोइंग थिंग्स, वन कि व्हाट इज सोलेनाइड, सोलेनाइड क्या है, ए क्वाइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन शेप ऑफ सिलेंडर कॉल्ड सोलेनाइड, मींस व्हेन वी फोल्ड ए कॉपर वायर इन पैटर्न ऑफ सर्कुलर टर्न्स एंड बाय टर्निंग वी मेक इट इन ए शेप ऑफ सिलेंडर, मीन्स ए क्वाइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ मेनी टर्न्स इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर दिस इज कॉल्ड सोलेनाइड, यानी कि कॉपर वायर को हम फोल्ड कर इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब हम फोल्ड करते हैं या रैप करते हैं उसको घुमा देते हैं मोड़ देते हैं और उसको फोल्ड करके हम एक सिलेंड्रिकल शेप में ले आते हैं तो सिलेंडर के शेप में ले आते हैं तो वो क्या हो जाता है, सोलेनाइड हो जाता है। और इस तरह से सोलेनाइड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो सोलेनाइड इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट,
सोलेनाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि बार मैग्नेट में हमने देखा था कि एट द एंड्स ऑफ सोलेनाइड मीन्स एट द साउथ एंड नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज फाउंड टू बी मैक्सिमम इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज यूनिफॉर्म एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोलेनाइड देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज तो जैसे कि बार मैग्नेट में था उसी तरह से यहाँ पर भी होता है एंड जस्ट लाइक द बार मैग्नेट वन एंड ऑफ सोलेनाइड बिहेव्स लाइक साउथ पोल अनदर एंड ऑफ सोलेनाइड बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल तो कौन सा पोल नॉर्थ पोल होगा जिधर से करंट इंट्री करेगी तो ये साउथ पोल हो जाएगा और मीन्स करंट की डायरेक्शन क्या है ये प्लस टू माइनस है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी साउथ पोल हो जाएगी और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा तो इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड द सोलेनाइड वी फाइंड दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज एंड एज वी मूव टुवर्ड द पोल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनाइड कैन बी मॉडिफाइड इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं हाउ By increasing the number of turns. पहली चीज की number of turns को increase करेंगे तो as many turns there will be in solenoid, so much stronger will be the field. Number two, we can increase the strength of magnetic field in the solenoid by increasing the amount of current flowing through it. And number three, with distance also strength of magnetic field determined. तो जितना ही solenoid से close होगा कोई device उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा और जितना ही दूर होगा उतना ही वो वीक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द क्वाइल इनसाइड द सोलेनाइड मीन्स दिस इज आवर सोलेनाइड And when within this solenoid, a soft iron rod is placed. जैसा कि यहाँ पर this is a solenoid and within the solenoid, this is a soft iron rod placed in it. And current is passed. Then this iron, soft iron gets magnetized. And this is called electromagnet. Means electromagnet is a device. Means electromagnet is a device that consists of a soft iron rod. placed inside the solenoid, यानी solenoid के अंदर जब एक soft iron rod को place कर दिया जाता है and current is passed through it, then this magnet, soft iron, it acquires the property of magnet, means it gets magnetized and such a device is called electromagnet, means a current carrying solenoid coil that can be used to magnetize the substances, which are magnetic substances like steel, iron, rod, such substances are magnetic substances. So when magnetic substances are placed inside the solenoid, it acquires the magnetic property and it is called electromagnet. What is the difference between electromagnet and bar magnet? Number one, in a bar magnet, north and south poles are permanent. नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर फिक्स यानी कि किसी भी बार मैग्नेट में एक पोल उसका नॉर्थ और एक पोल साउथ होता है वो फिक्स होता है बट इन सोलेनाइड मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट द पोल्स कैन बी इंटरचेंज्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इट यानी करंट की डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें तो अभी जो साउथ पोल है थोड़ी देर के बाद अगर हम इसको प्लस इधर करें माइनस इधर करें तो क्या हो जाएगा नॉर्थ का साउथ और साउथ का नॉर्थ हो जाएगा तो मैग्नेटिक पोल्स इन बार मैग्नेट आर परमानेंट Whereas magnetic poles in an electromagnet, those can be altered by altering the direction of current. Point number two, bar magnets have permanent magnetic strength. यानी उनकी magnetic strength जो होती है वो क्या होती है permanent होती है fix होती है But magnetic strength of electromagnet can be increased or decreased by increasing the number of turns in the solenoid, number of coils. And by increasing the amount of current